नमस्कार आप सभी को नमस्ते सर राधे राधे गुरुजी राधे 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 सुमित नमस्ते सर नमस्ते गुंजन नमस्ते मनोरमा पिछली बार हम लोग क्या पढ़ रहे थे नक्षत्रों के बारे में बताया था सर आपने दशा अच्छा।

ये स्क्रीन नजर आ रही है सर, जी जी सर सर ठीक है ठीक है तो हम लोगों ने पढ़ा था विमशोक्ति दशा के बारे में और हमने जो पढ़ा था मैं हल्का हल्का आपका रिवाइज कर देता हूं क्योंकि बीच में एक सप्ताह क्लास हो नहीं पाई थी तो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं कि विमशोत्री दशा जो होती है वो 120 वर्ष की होती है और इसमें नक्षत्रों के हिसाब से है चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के हिसाब से दशा मिलती है यानी चंद्रमा अगर मान लिया अश्विनी नक्षत्र में है उसका स्वामी केतु है तो केतु के अनुसार दशा मिलेगी चंद्रमा अगर भरणी नक्षत्र में है बच्चा जब पैदा हुआ उसका स्वामी शुक्र है तो शुक्र के अनुसार दशा मिलेगी तो ग्रह के स्वामी के अनुसार नक्षत्र के स्वामी के अनुसार दशा मिलती है आपको यह चेक करना है कि जब जन्म हुआ उस समय चंद्रमा किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी कौन है उसके अनुसार दशा मिलती है टोटल एक सौ बीस वर्ष की दशा है ये दशा का सीक्वेंस है पहले दशा केतु की है फिर शुक्र की फिर सूर्य की फिर चंद्र की मंगल की राहु की बृहस्पति की शनि की बुद्ध की अगर आप इसको सूर्य से स्टार्ट करना चाहो आप सूर्य से स्टार्ट कर सकते हो तो सूर्य से स्टार्ट करोगे तो पहले सूर्य की फिर चंद्रमा की फिर मंगल की फिर राहु की फिर बृहस्पति की शनि की बुद्ध की फिर केतु की और फिर शुक्र की अगर सूर्य से स्टार्ट करना है तो कहीं से भी स्टार्ट कीजिए तो पहले नीचे जाएंगे फिर आप ऊपर जाएंगे और वो लिखे हुए साल कितने साल की दशा होती है ये हम लोग पढ़ चुके हैं महादशा ये भी हमने पढ़ा दशा के प्रकार महादशा अंतरदशा दशा, अंतर दशा, दशा सूक्ष्म दशा और प्राणदशा ये पांच प्रकार की दशाएं होती है हमारा जो मतलब मेन जो रहता है वो महादशा अंतर्दशा और दशा इन तीन से रहता है सूक्ष्म दशा और प्राणदशा को कहाँ लेना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा आगे जब कुंडली देखेंगे हम लोग तब बताएंगे जब किसी का कोई ऑपरेशन हो रहा है या किसी कुछ ऐसी बात हो रही है तब हम सूक्ष्म दशा और प्राण दशा को देख लेते हैं अदरवाइज तो हम महादशा अंतर दशा और दशा को ही चेक करते हैं महादशा के अनुसार मैंने बताया था आपको कि 120 साल की महादशा टोटल होती है ये आपको लिख के दिया, ये भी दिया था सूर्य चंद्र मंगल राहु बुद्ध सबकी ये 20 साल की दशा है और ये भी बताया था आप लोगों को ये महादशा जो होती है वो इंसान की प्रकृति को चेंज करती है ये पढ़ा दिया ना जी सर हाँ इसमें मोटा मोटा ऐसे याद कर लो आप इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है सूर्य की दशा हो तो इंसान अनुशासित हो जाता है उसके सरकार से काम बनने शुरू हो जाते हैं दो तीन लाइन याद रखो वो फेमस होना शुरू हो जाता है तीन लाइन याद रखो सूर्य की महादशा अगर किसी इंसान की है तो ऐसे इंसान के कार्य गवर्नमेंट से अगर रुके हुए हैं तो बनने शुरू हो जाएंगे और उसको फेमस फेम मिलेगा और वो अनुशासित हो जाएगा अगर वही सूर्य आपकी कुंडली में छठे आठवें बारहवें भाव में है और अशुभ ग्रहों से दृष्ट है अशुभ ग्रह मैंने आपको बताए क्रूर ग्रह मंगल शनि सूर्य राहु केतु तो अगर सूर्य छठे आठवें बारहवें भाव में है और क्रूर ग्रहों से दृष्ट है उस केस में इसका उल्टा होगा यानी अनुशासन आपके अंदर नहीं रहेगा सरकार से आपके काम नहीं बनेंगे आपकी ख्याति नहीं होगी इतना अंतर रखना है बस खाली आपको तीन पॉइंट याद रखने सूर्य की दशा में तो इसलिए महादशा का अच्छा होना जरूरी होता है वो आपको आपकी प्रकृति को चेंज करती है आपको ओवरऑल और आपका ओरा ऐसा बना देती है फिर आती चंद्र की चंद्र की महादशा में ये सूर्य की महादशा का चल रहा था चंद्रमा की महादशा में हमने बताया था कि मन का कारक है चंद्रमा चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छा है केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में बैठा हुआ है शुभ ग्रहों से ग्रस्त है तो उस केस में आपका मन लगेगा आपको कोई परेशानी नहीं होगी आपको कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं होगी आप आराम से रहेंगे आपके इमोशंस भी ठीक रहेंगे लेकिन वही चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में छठे आठवें या बारहवें भाव में है और अशुभ ग्रहों से दृष्ट है उस केस में चंद्रमा की महादशा है तो उस केस में आपका मन नहीं लगेगा आपका मन विचलित रहेगा आपको स्ट्रेस हो सकती है आपको अच्छी नींद नहीं आ सकती आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा और आपके इमोशंस आप इमोशनल बहुत हो जाएंगे जरा सी कोई बात आपसे बोल देगा आप तुरंत उस बात को अपने ऊपर लगा लेंगे मंगल से दो तो तीन बात याद रखनी है कि मंगल की दशा अगर आ जाए तो इंसान में ऊर्जा आ जाती है शत्रुओं पे विजय प्राप्त होती है छोटे भाई बहनों से लाभ होता है ये तीन चीज याद रखिए मंगल की दशा हो यही मंगल अगर आपकी कुंडली में खराब है खराब मीन्स के छठे आठवें बारहवें भाव में है और अशुभ ग्रहों से दृष्ट है तो इसका अपोजिट होना शुरू हो जाता है ऊर्जा की कमी हो जाती है कोई भी आता है आपको मार के चला जाता है आपको छोटे भाई बहनों से उतना प्रेम प्राप्त नहीं होता शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त नहीं होती तो मंगल का अच्छा होना भी जरूरी है मैंने आपको ये बताया कि फल जो है वो अंतर दशा देती है मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया समझाऊ फल जो मिलते हैं वो अंतर दशा से मिलते हैं अब किसी की अंतर्दशा किसी अच्छे ग्रह की है उसको अच्छे फल मिलने वाले हैं सपोज कीजिए क्योंकि जिस ग्रह की अंतर्दशा है वह ग्रह लाभ केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में बैठा हुआ है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है उसकी अंतर्दशा है तो फल अच्छे मिलेंगे लेकिन महादशा मंगल की है अंतर्दशा तो ठीक है लेकिन महादशा मंगल की है और मंगल जो है वो खराब प्लिस्ट है मंगल छह आठ बारह में है अशुभ ग्रहों से दृष्ट है तो होगा क्या कि उसे फल तो अच्छे मिल रहे हैं अंदर दशा के लेकिन वो फल को उतना ग्रहण नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं होगी उसके छोटे भाई बहनों से उतना सपोर्ट उसे नहीं मिलेगा शत्रु पर उपजा प्राप्त नहीं कर सकेगा एनर्जी कमी होने से वो उन फलों को भरपूर रूप से एंजॉय नहीं कर पाएगा और यही मंगल भी उसका अच्छा हो जाए तो जो अच्छे फल मिल रहे हैं उनको पूरा पूरा एंजॉय करेगा फर्क इतना है महादशा से आप चीजों को एंजॉय करते हैं आपका और बन जाता है आपकी प्रकृति बन जाती है और फल देने वाली जो होती है वो अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा होती है मंगल का हमारा हुआ बुद्ध की अंतरदशा हो तो कैसा ही आदमी हो पढ़ाई शुरू कर देता है बुद्ध की महादशा किसी की आ जाए हंसी मजाक में थोड़ा कुशल हो जाता है वो बुद्धि में वृद्धि होती है ये बुद्ध की दशा में होता है तो बुद्ध से प्रकृति आदमी की पता लग सकती है कि जैसी आप लोग की बुद्ध की दशा है तो आप लोगों को कुछ ना कुछ पढ़ने को मन करेगा बुद्ध के साथ ये बहुत अच्छी चीज है कि वो किसी भी भाव में बैठा हो वो इंसान को पढ़ाई करवाता है बुद्धि की वृद्धि करता है और हंसी मजाक में कुशलता देता है क्योंकि बुद्ध राजकुमार है और राजकुमार जो है बच्चा होता है जो हंसी मजाक करने वाला होता है बृहस्पति की दशा हो तो आदमी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है उसको संतान पैदा हो सकती है उसका धन आगमन हो सकता है और यही गुरु अगर अच्छा ना हो तो संतान पैदा होने में दिक्कत हो सकती है मान सम्मान में कमी हो सकती है ज्ञान में कमी हो सकती है धन आगमन में कमी हो सकती है शुक्र की दशा हो तो इंसान की कामनाएं बढ़ जाती हैं और वो कामनाएं पूरी होती है किसी भी स्त्री से लाभ होता है कोई भी स्त्री आपकी बॉस है मान लिया किसी जगह आपकी हेडमिस्ट्रेस है या आपकी बॉस है आपकी प्रिंसिपल है तो उससे लाभ होता है अगर आपकी शुक्र की दिशा चल रही है और शुक्र आपका अच्छा है अच्छा शुक्र मतलब केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में शुक्र बैठा हुआ है और अच्छे ग्राउंड से त्रस्ट है शुक्र आपको बेफिक्री देता है मतलब मस्त रहता है आदमी कहते हैं कि बुढ़ापे में शुक्र की दशा हो तो इंसान रंगीन कपड़े पहनना स्टार्ट कर देता है तो ये होती है शुक्र की दशा कि जो कामनाएं बढ़ाती है तो शुक्र की महादशा जब आती है तो इंसान की कामनाएं बढ़ जाती हैं, इंसान बेफिक्र हो जाता है अब अच्छा शुक्र हो तो अच्छे के लिए बेफिक्र हो जाएगा और बुरा शुक्र हो तो वो बेफिक्री जो है उसको नुकसान दे जाएगी शनि का बताया मैंने आपको शनि जो है वो आपका दुख का कारक है शनि की दशा जब आती है तो आदमी के जीवन में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा डिले थोड़ा डिस्टरबेंस रहता है स्ट्रगल रहती है थोड़ा आलस रहता है और अगर शनि अच्छा है तो इन चीजों में कमी आती है डिसअपॉइंटमेंट में कमी आती है डिले में कमी आती है आलस्य में कमी आती है वो चीज़ थोड़ी इंप्रूव हो जाती है लेकिन फिर भी शनि जो है दशा किसी की आएगी तो शनि चाहे अच्छा प्लेस्ड हो चाहे बुरा प्लेस्ड हो कुंडली के अंदर वो हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी क्रिएट करता है कुछ ना कुछ रोग जरूर देता है शनि रोग का कारक है तो किसी की दशा भी हो शनि की आप उसे कह सकते हैं कि भाई आप अपने स्वास्थ्य का यहां ध्यान रखिए आपको रोग हो सकता है दो ग्रह हैं ऐसे जिनकी महादशा हो या जिनकी अंतरदशा हो तो आपको स्वास्थ्य के लिए स्पेशली इंसान को बोलना है एक बुद्ध की दशा एक शनि की दशा बुद्ध की दशा इसलिए कि जो मेष रगनी कुंडली होती है जिसे हम काल पुरुषी कुंडली बोलते हैं उसमें छठा भाव छठा भाव क्या होता है रोगनी शत्रुओं का उसका स्वामी बुद्ध होता है इसलिए बुद्ध की दशा और शनि की दशा बीमारी ला सकती है कई बार आप देखते हैं कि यार ये बीमार होने के चांस तो उस बदले के नहीं बन रहे हैं ऐसा तो कुंडली में नहीं नजर आ रहा लेकिन आप देखते हैं कि शनि की दशा है उसकी महादशा या बुद्ध की महादशा है तो आप हाँ कह सकते हैं कि हाँ भी ऐसे में तबियत खराब हो सकती है स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है तो अपना ध्यान रखें राहु की दशा महादशा में इंसान हमेशा भ्रमित रहता है वो सोचता है योजनाएं बनाता रहता है कि ये कर लेता हूं वो कर लेता हूं ऐसे कर लेता हूं वैसे कर लेता हूं योजनाएं बनाता रहता और भ्रमित रहता है धार्मिक कार्य नहीं कर पाता ये राहु की महादशा में होता है ऐसा कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु यानी राहु शनि की तरह है और केतु मंगल की तरह है कुछ कुछ माने मंगल होता है तो राहु की दशा में भी इंसान को डिसअपॉइंटमेंट डिले और स्ट्रगल वगैरह लगी रहती है और भ्रमित इंसान रहता है योजनाएं बनाता रहता है अगर राहु अच्छी जगह तुम्हारा प्लेस्ड है केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में है शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो उसकी योजनाएं पूर्ण होती है और वही राहु यदि अच्छी जगह नहीं है छठे आठवें बारहवें भाव में है अशुभ ग्रहों से दृष्ट है तो उसकी योजनाएं जो है विफल हो जाती है सिंपल सिद्धांत है मैं आपको दो दो तीन तीन कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं हर ग्रह की जो आपको याद रखनी है केतु की दशा महादशा अगर होती है किसी इंसान की तो वो आदमी उसके अंदर भी भ्रम पैदा रहता है रहता है उसके अंदर भी आदमी और चिड़चिड़ापन की स्थिति रहती है कभी भी किसी को आप देखना जिसकी केतु की दशा चल रही हो महादशा चल रही हो कोई इंसान आपको चिड़चिड़ा मिलेगा क्यों का जवाब पूछने वाला बहुत मिलेगा मतलब आपसे पूछेगा कि भाई आप कहा गए थे सब पिक्चर देखने गया था कौन सी देखने गए थे सब ये देखने गया था कौन सा शो गए थे सब ये वाला शो देखने गया था और कौन साथ था आपके ये साथ था अच्छा फोन लगाओ उसके साथ था या नहीं था तो मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक से एक की एक 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 की चीज आदमी निकालना शुरू कर देता है जैसे कहते हैं ना बाल की खाल निकालना वो केतु की महादशा में होता है तो केतु की महादशा हो तो इंसान को चिड़चिड़ापन हो जाता है बाल की खाल निकालता है और छुपके काम करता है मतलब करता है तो छुपके करता है अपराध करता है तो छुपके करता है कोई भी काम करता है तो छुपके काम करने की कोशिश करता है घर में फाइनेंस पैसा बचाना चाहता है तो वो भी छुपके बचाना चाहता है कि भाई पति को मालूम ना चले या पत्नी को मालूम ना चले पैसा बचाया। मतलब कोई भी काम करेगा तो छुपके करेगा तो केतु की दिशा नहीं <coughs> ये चीजें आपको याद रखनी जरूरी है अब आती है दशा जो आपको एक्चुअली फल देती है तो महादशा का मैंने आपको सारा बता दिया कि महादशा इंसान की प्रकृति को चेंज करती है उसका और चेंज करती है और अंतरदशा फल देती है अगर अंतरदशा अच्छे ग्रह की है तो आपको फल अच्छा मिलेगा और महादशा उसके साथ साथ अगर अच्छी है तो तो फल को एंजॉय कर पाएंगे और महादशा अच्छी नहीं है तो फल तो मिलेंगे आपको लेकिन फल को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे ठीक से ये चक्कर रहता है अच्छा हर महादशा में पहली अंतर्दशा उसी ग्रह की होती है अगर मान लिया सूर्य की महादशा हो तो पहली अंतरदशा सूर्य की ही होगी सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा पहली दशा होगी यह ध्यान रखना है आपको दूसरी अंतरदशा होती है क्रम से क्रम कौन सा वाला जो मैंने पीछे आपको बताया है दशा का के सूर्य है चंद्र है मंगल है राहु है वो जो क्रम आपको बताया है उस क्रम से तो दूसरी दशा सूर्य में चंद्र की होगी तीसरी दशा सूर्य में मंगल की होगी चौथी दशा सूर्य में राहु की होगी पांचवी गुरु की होगी छठी शनि की सातवीं शुक्र बुद्ध की आठवीं केतु की नवी शुक्र की तो जब भी किसी ग्रह की महादशा आएगी पहली अंतर्दशा उस ग्रह की उस ग्रह में वही रहेगी दूसरी फिर क्रम से स्टार्ट होगी अगर सूर्य की महादशा है तो पहली अंतर्दशा सूर्य की होगी अब मान लियो अगर चंद्र की महादशा है तब तो पहली अंतर्दशा चंद्र की होगी दूसरी कौन सी आ गई चंद्र के बाद मंगल आ गया मंगल के बाद राहु आ गया राहु के बाद गुरु गुरु के बाद शनि शनि के बाद बुद्ध केतु शुक्र और फिर सूर्य मतलब सारे ग्रह रिपीट करते हैं ग्रह सारे रिपीट करेंगे लेकिन जिसकी महादशा है पहली अंतरदशा उसी ग्रह की है। समझ गए आप लोग किसी का कोई अब कोई क्वेश्चन यहाँ पे जी सर जी हाँ बोलिए समझ गए चलो ठीक है गुड अब ये निकालते कैसे हो माना सूर्य की महादशा चल रही है किसी की छह साल की आपने देखा कि भी किसी की सूर्य की महादशा है जिस समय बच्चा पैदा हुआ चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उस नक्षत्र का स्वामी सूर्य था तो हमने देख लिया टेबल में कि सूर्य की छह साल की महादशा है तो छह साल महादशा चलेगी इसकी अब छह साल में कितने टाइम अंतर की अंतर्दशा होगी सूर्य की क्योंकि सूर्य में सूर्य की ही अंतर्दशा नहीं है सूर्य में चंद्रमा की दशा आनी है फिर सूर्य में मंगल की आनी है फिर सूर्य में राहु की आनी है तो सूर्य की महादशा होती है छह साल और टोटल जो सूर्य की टोटल जो महादशा होती है वो होती है 120 साल तो आप कुछ नहीं करना है आपने सूर्य की महादशा है छह साल टोटल महादशा है 120 साल तो छह डिवाइडेड बाई एक गुणा सूर्य की अंतर्दशा निकालनी है तो सूर्य की अंतरदशा सूर्य की दशा कितनी होती है छह साल चंद्रमा की अंतर्दशा निकालनी है तो चंद्रमा की दशा कितनी साल होती है तो छह बट एक सौ बीस इंटू दस साल मंगल की अंतर्दशा निकालनी है तो छह बटा एक सौ बीस इंटू मंगल की होती है सात साल की सात साल तो ऐसे करके हम लोग दशा निकाल लेते हैं सूर्य में सूर्य की निकालनी हो यह फार्मूला है सीधा कि छह बटा एक सौ बीस करिए यानी जिसकी दशा हो उसको एक सौ बीस से डिवाइड कीजिए और जिसकी दशा अंतर दशा निकालनी है उसका दशा जितनी होती है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि हमारा सूर्य के में सूर्य की हम लोग निकाल रहे हैं तो सूर्य की महादशा छह साल की होती है तो छह डिवाइडेड बाई एक सौ बीस और सूर्य की अंतरदशा निकाल रहे हैं तो सूर्य की महादशा छह साल की होती है छह से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सूर्य में चंद्र के निकाल रहे हैं तो सिक्स डिवाइडेड बाई एक सौ एक सौ बीस इंटू टेन करना पड़ेगा तो ऐसे करके हम डिफरेंट ग्रहों की दशा निकालते हैं अब मान लो हमें निकालनी है चंद्र की दशा सपोज कीजिए ये तो जब था जब हमारा सूर्य की महादशा अंतर महादशा थी मान लो चंद्र की तो महादशा है तो पहली अंतर्दशा कौन सी आएगी चंद्र की महादशा में पहली अंतरदशा कौन सी आएगी चंद्र की चंद्र की मैंने बताया कि जिस ग्रह की महादशा होती है पहली अंतर्दशा उसी ग्रह की आती है तो कैसे निकालें इसको कैसे निकालें इसको निकालने का फंक्शन यह है कि चंद्र की महादशा कितने साल की होती है दस साल की दस साल तो दस से डिवाइडेड बाई 120 क्योंकि 120 तो दशा पूरी होती है तो 10 डिवाइडेड 120 कर लीजिए फिर चंद्र में चंद्र की निकाल रहे हैं तो चंद्र की महादशा फिर कितनी होती है 10 10 साल तो दस दस साल चंदर चंदर की तो से ऐसे आपका निकल जाएगा चंद्र में चंद्र की होगी पहली फिर चंद्र में मंगल की होगी दूसरी फिर चंद्र में राहु की होगी तीसरी फिर चंद्र में गुरु की होगी फिर चंद्र में शनि चंद्र में बुद्ध चंद्र में केतु चंद्र में शुक्र चंद्र में सूर्य ऐसे करके दशा चलेगी सारी मैं आपको एक सेकंड बता देता हूं देखिए यहां कंफ्यूज मत होइएगा चंद्र की महादशा होती है दस साल टेन ईयर्स अब पहली अंतशा निकालनी है हमें तो पहलींत क्या होगी जो हमने बताया कि चंद्र में चंद्र की ही होगी दूसरी अंतरदशा चंद्र में मंगल की होगी क्योंकि उसके बाद चंद्र के बाद मंगल आता है तीसरी अंतशा चंद्र में राहु की होगी चौथी अंतशा चंद्र में

मंगल की अंतदशा निकाल रहे हैं तो मंगल की महादशा कितने साल होती है सात साल तो सात साल ऐसे तो करके जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इनकी दशा आपकी मिल जाएगी तो ठीक है तो ये अंतशा आप इस तरह निकाल सकते हैं कि भाई तीन साल कितने महीने हैं छह महीने हैं बारह महीने हैं चार साल कितने महीने हैं ऐसे करके निकल जाती है अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है महादशा अंतरदशा में तो हालांकि कंप्यूटर से जो आप पत्री निकालते हो या जो पत्री आप बनाते हो अपने मोबाइल से उसके अंदर महादशा अंतरदशा सब कुछ निकली हुई होती है ऑलरेडी तो इसलिए कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो तो आप उससे देख सकते हो मैंने तो आपको केवल एक बताया है कि बाय चांस अगर आपके पास कोई साधन ना हो कंप्यूटर भी ना हो कुछ ना हो तो कैसे आप करें अदरवाइज तो कंप्यूटर में आप डालेंगे या मोबाइल में आ, आप लोगों के पास किसी के पास मोबाइल में सॉफ्टवेयर है ये वाला एस्ट्रोलॉजी का नहीं, मेरे पास एक तो सॉफ्टवेयर है ये वाला तो नहीं पता पर मेरे पास एक सॉफ्टवेयर था उसका नाम एस्ट्रोलॉजी एंड होरोस्कोप करके सॉफ्टवेयर सर मेरे पास एस्ट्रोसेज का है एस्ट्रोसेज का है ठीक है एस्ट्रोसेज में ठीक है तो तो स्टार्टिंग के लिए एस्ट्रोसेज ठीक है हालांकि जब एडवांस पूरा पढ़ लेंगे आप तब मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एस्ट्रोसेज <coughs> थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है लेकिन स्टार्टिंग के लिए शुरुआत के लिए एस्ट्रोसेज ठीक है तो मोबाइल में जिनके पास सॉफ्टवेयर है बहुत अच्छी बात है जिनके पास नहीं है तो वो एस्ट्रोसेज को डाल सकते हैं वो डाल लें तो उसके अंदर जैसे ही वो डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे वैसे ही कुंडली की कौन सी ग्रह की महादशा है कौन से ग्रह की अंतरदशा है कौन से ग्रह की दशा है वो सब चीज उसके अंदर आ जाती है अब बात आती है ये वाली हो तो गई अब अंतरदशा के फल कैसे मिलेंगे मान लो कि महादशा का फल तो हमने बताया कि महादशा तो इंसान की प्रकृति को चेंज करती है महादशा इंसान के और को चेंज करती है अंतरदशा कैसे फल देती है मान लो कि किसी आदमी की या किसी भी जातक की दशा है सूर्य में अंतरदशा उसकी है से मंदिर मंगल की तो मंगल अपनी तो फल जो मिलेंगे वो मंगल की अंतर्दशा के मिलेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि सूर्य तो इंसान की प्रकृति को चेंज करेगा सिर्फ अगर अच्छा सूर्य है तो अनुशासित कर देगा अच्छा सूर्य है तो नाम नाम आपका बढ़ाएगा रोशन करेगा अच्छा सूर्य है तो आपका आत्मविश्वास अच्छा होगा बुरा सूर्य है तो आप अनुशासनहीन हो जाएंगे आपका नाम अच्छा नहीं रहेगा तो सूर्य तो आपकी प्रकृति को चेंज करता है लेकिन फल जो देती है वो अंतरदशा देती है तो मंगल आपको फल देगा अब मंगल आपको फल कैसे देगा कौन कौन से फल देगा अपने स्वतंत्र कारकत्व मंगल जन चीजों का कारक है ये हमने आपको पीछे पढ़ाया है कि कम ग्रह के क्या कारक है कि मंगल कारक है पराक्रम का मंगल कारक है शत्रु पे विजय का मंगल कारक है छोटे भाई बहनों का तो इस तरीके से मंगल जिन चीजों का कारक है उन चीजों को भी देगा अगर मंगल आपका अच्छा है कुंडली में अच्छा प्लेस है मंगल आपका छठे आठवें बारहवें भाव में नहीं है अशुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है तो मंगल की दशा में आपका पराक्रम अच्छा होगा आपके भाई भाइयों से रिलेशन आपका सुधार होगा आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे तो मंगल के अच्छे फल मिले आपको दूसरे फल मिलते हैं तो पहला फल तो यह हुआ कि जो ग्रह की अंतरदशा है वो ग्रह अपने कारकत्वों का फल देती है अगर अच्छा ग्रह है ग्रह अच्छा है तो अच्छे फल देगी अब बुरा है तो उसके फल रिड्यूस हो जाएंगे दूसरा है केपी कुंडली में अपने स्वामित्व वाले भाव के ये केपी कुंडली क्या है मैंने आपको पहले ही बताया काल पुरुषी कुंडली मेष लगन की जो कुंडली होती है उसे हम केपी कुंडली बोलते हैं या काल पुरुषी कुंडली बोलते हैं अब इसमें यह बताइए कि मंगल के पास इस कुंडली में जो काल पुरुषी कुंडली है इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है अपने कालपुरुषी कुंडली को यह हर ग्रह में इस्तेमाल होगी मंगल ने अपनी अंतशा के फल देने तो पहला फल तो मैंने आपको बताया कि मंगल अपने कारकत्वों के हिसाब से फल देगा अगर मंगल अच्छा प्लेस्ड है तो आपके कारक जो थे उसके जो मैंने पीछे नोट करवाए हैं वो अच्छे फल मिलेंगे फिर मंगल केपी कुंडली में अपने स्वामित्व वाले भाव के केपी कुंडली कौन सी है काल पुरुषी कुंडली जो मेष लगन की कुंडली होती है उसमें अपने स्वामित्व वाले भावों के तो उसमें किन किन भावों का स्वामी है मंगल इस कुंडली के अंदर जरा कोई बताइए मेष पहले भाव का हाँ, और पहले और तो आठवे भाग के रिजल्ट भी मिलेंगे आपको जब मंगल की दशा आएगी तो एक तो रिजल्ट आपको मिलेंगे उसके स्वतंत्र कारकत्वों के दूसरे पहले और आठवें भाग के रिजल्ट भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे मंगल अगर अच्छा है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा आपका नाम रोशन होगा मंगल अगर आपका अच्छा है तो आठवा भाव किस चीज के लिए होता है कलह पीड़ा कारक कष्ट का भाव होता है तो कलह कम हो जाएगी पीड़ा कम हो जाएगी कष्ट कम हो जाएंगे तो कृष्ण कार पुरुषी कुंडली में जो उसके पास भाव है उनका फल भी मंगल आपको देगा वर्तमान कुंडली में अपने स्वामित्व वाले भावों के ये क्या बोलता है जी ये, ये बोलता है कि किसी भी कुंडली में जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं ये कुंडली है किसी जातक की कुंडली है ये सपोज कीजिए और ये लगन की है चार नंबर लगन की चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन और इस जातक की मंगल की दशा चल रही है इस जातक की मंगल की दशा चल रही है तो हमने क्या कहा पहला फल तो हमने बताया अगर मंगल अच्छा है उसका मतलब केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में बैठा है ये त्रिकोण भाव है ये ये तो केंद्र है ये लाभ भाव है अगर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा है मंगल और ग्रहों से दृष्ट है शुभ ग्रह मीन कौन कौन से गुरु शुक्र चंद्रमा बुद्ध उनसे दृष्ट है तो मंगल की दशा के फल आपको अच्छे मिलेंगे सबसे पहले तो मंगल के जो कारकत्व है उनके फल मिलेंगे आपको जो मंगल कारक है कारक पराक्रम है मंगल कारक छोटे भाई बहन है मंगल कारक जो भी कारक है मंगल के मैंने आपको नोट करा रखे हैं उनके फल आपको जी दूसरा मंगल काल पुरुषी कुंडली में जिन भावों का स्वामी है यानी पहले और आठवें भाव के फल भी आपको मिलेंगे okay. मंगल इस कुंडली में जिन भावों का स्वामी है इस कुंडली में किन भावों का स्वामी है पांच और, 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 और दस पांचवें और दसवें का दस। तो आपको पांचवें और दसवें भाव के फल भी मिलेंगे ठीक है जी. ये भी आपको मिल सकते हैं अब मंगल यहां बैठा है मान लिया कुंडली में फिर तो मंगल जहां बैठा आ, है वहां के फल भी मिलेंगे सातवें भाव के भी मिलेंगे सातवें भाव के भी मिलेंगे ये फल जो होते हैं ये वाले भाव के ये फल जो होते हैं ये फल आपको बहुत तीव्रता से मिलते हैं तीव्रता से मिलने का मतलब ये है कि इन फलों को देने के लिए तो वो बाध्य है इनके इन फल तो वो देगा ही देगा मंगल uh... सातवें भाव के मंगल अपने स्वतंत्र कारकत्व के फल देगा देगा उसके लिए बाध्य है बाउंड है uh... मंगल काल पुरुषी कुंडली में पहले आठवें भाव का स्वामी होता है उसके फल देगा उसके लिए बाध्य है वो देगा ही देगा तीसरा मंगल जिस भाव में बैठा है उस भाव के फल देगा उसके लिए बाध्य है वो देगा ही देगा चौथा मंगल जहां देख रहा है दृष्टि से एक दो तीन चार दृष्टि से यहां देख रहा है सातवीं दृष्टि से कहां देख रहा है दसवीं दृष्टि से कहां देख रहा है तो जहां देख रहा है वहां के फल भी मंगल देने के लिए बाध्य है और कहां के फल देने के लिए मंगल बाध्य है मंगल फल देने के लिए बाध्य है अपने स्वामित्व वाले भावों के लिए जिस कुंडली को हम देख रहे हैं उस कुंडली में लेकिन वो जब जब उन भावों में ना कोई ग्रह बैठा हो ना कोई ग्रह दिख रहा हो जी मंगल देगा जो भी ग्रह है अपने स्वतंत्र कारकत्व के फल देगा काल पुरुष कुंडली में अपने स्वामित्व वाले भाव के फल देगा इसके लिए बाध्य है बाउंड है वर्तमान कुंडली में अपने स्वामित्व वाले भावों के फल यदि वहां ना कोई ग्रह बैठा हो ना कोई देख रहा हो अगर ना वहां कोई बैठा है ना कोई देख रहा है तो फिर तो उसके लिए भी बाध्य है वो जो जिन स्वामियों जिन भावों का स्वामी है वर्तमान कुंडली में उनके फल भी मंगल को ही देने हैं हालांकि उसके फल भी मंगल देता है ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं लेकिन अगर कोई ग्रह वहां बैठा है या कोई ग्रह देख रहा है वो फल ज्यादा करता है जो वो ज्यादा करता है पर आप ये लगा कि चलो कि मंगल जो भी अंतर्दशा नाथ है वो अपने स्वतंत्र कारकत्व के फल देगा कालपुरुषी कुंडली में जिन भावों का स्वामी है उनके फल दे सकता है वर्तमान कुंडली में जिन भावों का स्वामी है वहां के फल दे सकता है जहां बैठा है वहां के फल देगा जहां देखता है वहां के फल देगा सर इसमें एक क्वेरी थी मेरी इसमें लिखा है जहां बैठा है वहां के फल हुँ. और लास्ट है कि जिस भाव का कारक है वहां के तो इन दोनों में क्या फर्क आ रहा है हाँ अब जिस भाव का कारक है मैंने आपको स्थिर कारक बताए थे डिफरेंट डिफरेंट भावों के पहले भाव का कारक सूर्य है दूसरे भाव का कारक गुरु है तीसरे भाव का कारक मंगल है चौथे भाव का कारक चंद्र है पांचवे भाव का कारक मैंने बताया था गुरु फिर छठे भाव का कारक मैंने बताया था मंगल oh. तो मंगल चूंकि छठे भाव का कारक है तो मंगल छठे भाव का भी फल दे सकता है ये जो फल है ये आपको जिस भाव का कारक है ये फल आपको मिल सकता है मिलेगा ये कंफर्म नहीं है मिल सकता है सर एक बार मैं इसके सातवें भाव के शुक्र होते हैं कारक हाँ आठवें के शनि हाँ नौवें के गुरु और दसवें के शनि और बुद्ध दोनों होते हैं क्या हाँ हाँ दोनों ही लगा लीजिए और ग्यारहवे के गुरु और बारहवे के शनि बारहवे के शनि और छठे में सर मंगल और शनि दोनों हैं छठे में मंगल और शनि दोनों होते हैं ठीक है सर ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजन था ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि आप मैंने आपको इसलिए ये सारी चीज़ बताई है कि आपने मालिया कुंडली देखनी चालू करी और आपने देखा कि मंगल आपके चौथे भाव में बैठा है आपने सब बोला भैया तेरा मकान वाहन तुझे मकान मिल सकता है तेरा वाहन बन सकता है तेरी दुकान बन सकती है तू मकान खरीद सकता है तेरी मदद से तेरा रिलेशन अच्छा बन सकता है तो आप चौथे भाव के बारे में बोल रहे हो मैं ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप चौथे भाव के बारे में तो बोलो क्योंकि मंगल जहां बैठा है वहां के फल तो देगा जहां देखता है वहां के फल भी देगा उसके फल भी उसने देने हैं मंगल ने अपने कारकत्वों के फल भी मंगल ने देने हैं कालपुरुषी कुंडली में जिन भावों का स्वामी है वहां के फल भी मंगल दे सकता है इस कुंडली में जिन भावों का स्वामी है वहां के फल भी वो दे सकता है और जिन भाव का कारक होता है वो कालपुरुषी कुंडली में वहां के फल भी वो दे सकता है ठीक है तो इतने फल आपको मिल सकते हैं कुंडली में जी सर गुरु जी एक क्वेश्चन था मेरा हाँ मैं ये पूछना चाह रहा था तो वा ये, वा वर्तमान कुंडली देखेंगे तो ये कहाँ पे देखेंगे लगन कुंडली से देखेंगे कि हाँ लगन कुंडली जो लगन कुण्डली लगन कुंडली तो वर्तमान कुंडली है आपकी कालपुरुषी कुंडली जो होती है वो मेष लगनी कुंडली होती है बस जी जी कालपुरुषी कुंडली का मतलब होता है मेष लगनी कुंडली बाकी जो वर्तमान कुंडली जहां हमने लिखा है इसका मतलब यह है कि जो भी जातक अपनी कुंडली दिखाने आया है उस लगन की चाहे वो मेष लगन की ही क्यों ना हो चाहे वो दो नंबर लगन की हो चाहे वो तीन नंबर लगन की हो चाहे वो चार नंबर लगन की हो तो ऐसे करके आपको फल मिलते हैं ये फल आपको ध्यान रखने पड़ते हैं फिर इन्होंने क्या कहा है सामान्य रूप से छठे आठवें बारहवें स्थान में गए ग्रहों की दशा अच्छी नहीं जाती इसी तरह इन भावों के स्वामी की दशा भी कष्ट देती है यह मैं आपको शुरू से बता रहा हूं आठ बारह आपके अशुभ स्थान है इनमें कोई ग्रह जाता है तो उसकी दशा अच्छी नहीं जाती और इन भावों के स्वामी की दशा भी अगर हो तो भी कष्टकारक होती है गुरु जी एक क्वेश्चन बोलो, बोलो. जैसे गुरुजी मंगल नीच का हो हाँ हाँ और प्लेसमेंट अच्छी हो तो हाँ मैं बताता हूँ आपको अभी बताता हूँ आपको इसके बाद क्वेश्चन का आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ मैं अभी हमने लगाया कि सामान्य रूप से छठे आठवे बारहवें स्थान में ग्रहों की दशा अच्छी नहीं जाती और इनके भावों की स्वामी की दशा भी कष्ट देती है शुभ फल तभी होते हैं कब मिलते हैं शुभ फल जब भावेश जब भाव का स्वामी भावेश बोलते हैं भाव के स्वामी को जब भाव का स्वामी उत्तम स्थान में बैठा हो यानी केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हो अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो या स्व राशि में हो या बकरी हो सर एक मुझे भाव के स्वामी में भी कंफ्यूजन भाव के हुआ. स्वामी में मुझे समझ आ रही है भाव का स्वामी वही है जो भाव में राशि है उसका स्वामी जो है वो भाव का स्वामी है जी ओके सर अगर भाव में तीन नंबर राशि है पांचवे भाव में तो तीन नंबर के भाव का स्वामी बंगल है तो सॉरी बुद्ध।, बुद्ध।, बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है मतलब लॉर्ड जो है ना उसके हाँ मतलब जिस भाव में जो राशि बैठी है वो उस भाव का स्वामी हो जाता है वो उस भाव का स्वामी हो जाएगा ठीक है सर थैंक यू अच्छा तो तो ये कहा गया है कि कोई ग्रह यदि छठे आठवें बारहवें स्थान में बैठा है तो उस ग्रह की दशा नॉर्मली बहुत अच्छी नहीं जाती को कष्ट देती है और कोई ग्रह यदि केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हो अपनी राशि में हो मित्र की राशि में हो या उच्च राशि में हो या बकरी हो तो भी दशा बहुत अच्छी जाती है तीसरी बात कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में बैठा हो जैसे इन्होंने पूछा सुमित जी ने कि नीच की राशि में बैठा हो तो उसकी दशा अच्छी नहीं जाती लेकिन नीच की राशि में बैठ के अगर वो अच्छे स्थान में बैठा है केंद्र त्रिकोण या लाभ में बैठा है तो उसके कष्टों में कमी आ जाती है सर मेर, मेरा भी एक प्रश्न है हेलो हाँ, बोलो, बोलो, सर चरण स्पष्ट हाँ, सर आठवें में जैसे बृहस्पति अभी आपने कहा आठवें बृहस्पति बैठा हो और वो कर्क कर राशि में बैठा है तो भी उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे देखिए बृहस्पति कर्क राशि में कौन क्या होता है आपका जी क्या होता, चा, हो, हो. हाँ, होता है कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है तो पहली बात तो ये बृहस्पति आठ नंबर भाव में बैठा अब आप कितने फलों को आप लगाएंगे जैसे मैं आपको थोड़ा समझा लू एक से आपने क्वेश्चन अच्छा किया है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ आपको को ना बड़े अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा कैसे कि पहली कंडीशन तो ये कि आपका मनु भाव में बैठा दूसरी कंडीशन ये कि आपका गुरु आठवें भाव में कौन सी कंडीशन अच्छी है किस कंडीशन में कष्ट कम होगा जी गुरु गुरु होना ही देखिये आठवे भाव के रिजल्ट तो आपको मिल नहीं है क्योंकि आठवे मंगल आठवें भाव में बैठा है तो कलह पीड़ा मृत्यु कारक कष्ट तो आपको होने ही होने हैं जी लेकिन किस में कम होंगे गुरु में धार्मिक चीजें भी हो सकती है ना गुरु में थोड़ा कम होंगे क्यों हाँ जी गुरु शुभ ग्रह है उसका स्वभाव उसका नैसर्गिक स्वभाव जो है वो कष्ट देना नहीं है जी, जी गुरु की जहाँ दृष्टि जाती है वो गुरु भाका भला करता है जी ठीक है ना गुरु की दृष्टि जहां पे जाती है, गुरु भाका भला करता है तो इसलिए गुरु अगर आठवें भाव में भी हो तो खराब रिजल्ट तो मिलेंगे आपको जी तो खराब रिजल्ट आपको ज्यादा खराब नहीं होंगे उसके मुकाबले की अगर आपका मंगल या शनि आठवें भाव में आ जाए तब तो अब गुरु आठवें भाव में है चलो रिजल्ट तो आपको खराब मिल रहे हैं नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं आपको गुरु आठवें भाव में चार नंबर राशि पर है, जाए चार नंबर राशि कौन सी है उच्च राशि है जी। तो इसकी पावर और बढ़ी गुरु और शुभ हुआ उच्च राशि में आने तो इसकी नेगेटिविटी में थोड़ा कमी आएगी और कमी आएगी जी।, जी सर मतलब आप ही समझ लो कि यहां अगर आपको मंगल अगर आठवें भाव में है और यहां आपको हंड्रेड परसेंट कष्ट मिल रहा है गुरु अगर आठवें भाव में है तो आपको एट्टी परसेंट कष्ट मिलेगा और गुरु अगर आठवें भाव में उच्च राशि में है तो सिक्सटी परसेंट कष्ट रह जाएगा तो आपको। जी, जी, जी. मोटा मोटा आपको इस तरीके की चीजों को समझना है प्लेसमेंट अच्छा फल देती है लेकिन प्लेसमेंट में भी ये देखना होता है कि वो नीच राशि में है या उच्च राशि में है हालांकि तो नीच राशि का शटबल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है योगदान नहीं होता बट फिर भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा तो कहने का मतलब यह है कि कोई तो ग्रह आठवें भाव में हो या बारहवें भाव में हो तो वो खराब होता है उसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन अगर वहां पर शुभ ग्रह बैठा हो आठवें बारहवें भाव में तो उतना खराब नहीं होता उसमें से भी शुभ ग्रह अगर अपनी राशि में बैठा है वहां पर या अपने मित्र की राशि में बैठा है तो और अच्छा हो जाता है Okay. देखिए कोई भी ग्रह मैंने बताया कि जिस भाव में बैठा होता है भाव देता है अगर शुभ ग्रह भी जिम्मेदारी तो उसी की है जी. आप ये नहीं कह सकते कि आठवें रिजल्ट आपको अच्छे मिलने से मिले लेकिन हाँ ये है कलह होगी आपके जीवन में पीड़ा होगी आपके जीवन में पर उससे लड़ने की शक्ति आपको मिलेगी गुरु है तो ये था हमारा ये वाला तीसरा है भावेश पर दृष्टि एवं युति का प्रभाव ये क्या चीज है ये मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये भी कि किसी भाव का स्वामी भाव का स्वामी कौन सा हुआ जो भाव में राशि है उसका स्वामी भाव का स्वामी हुआ भाव का स्वामी चला तो अच्छे भाव में गया केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में चला गया इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूं सपोज किसी भाव का स्वामी आपका केंद्र में है त्रिकोण में है या लाभ भाव में है तो उसको कहते हैं अच्छा अच्छे फल देगा मान लो चौथे भाव का स्वामी यानी फोर्थ लॉर्ड आपका केंद्र में चला गया त्रिकोण में चला गया या लाभ भाव में चला गया तो हम कहेंगे आपको फोर्थ भाव के फल अच्छे मिलेंगे आपका मकान दुकान बन सकती है आप व्हीकल खरीद सकते हैं आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आपके अंदर मानसिक शांति रहेगी आपकी माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जो भी चौथे भाव से चीजें हम देखते हैं वो कल आपके अच्छे हो जाएंगे बट केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में तो वो गया लेकिन वहां जाके दो या टू और मोर देन टू दो या दो से अधिक ग्रहों से अधिक क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो गया दो या दो से अधिक क्रूर ग्रहों से अगर वो ग्रस्त हो गया तो उसके फलों में कमी आ जाएगी अगर वो आपको सौ रुपए दे रहा था चौथे भाव का स्वामी ये यहां जाने पर सौ रुपए दे रहा था लेकिन अब जो ग्रह उसको क्रूर ग्रह देख रहे हैं तो उसके फल जो है फिफ्टी परसेंट रह जाएंगे अब आपको पचास रुपये मिल पाएंगे आप ये कहोगे भाई तू तो मकान तो बना पाएगा लेकिन मकान थोड़ा संघर्ष से बना पाएगा तुझे तो वर्क हार्ड वर्क करना पड़ेगा विकल तो ले पाएगा लेकिन बहुत अच्छा विकल नहीं कर ले पाएगा विकल में मिल जाएगा लेकिन तू सोचा कि तू और ले ले या बीएमडब्ल्यू ले ले वो नहीं मिल पाएगी क्योंकि चौथे भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में होते हुए भी क्रूर ग्रहों से दृष्ट है और क्रूर ग्रहों में भी लगाना है दो या दो से अधिक अगर एक से दृष्ट है तो उसको नहीं मानना है दो या दो से अधिक ग्रहों से अगर दृष्ट है तो उस केस में फलों में कमी आ जाती है तो जो शुभ फल थे इसके ये समझ नहीं पा रहे सर, समझ नहीं पा रहे हैं। <coughs> देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं ये कहना चाह रहा हूं कि चौथे भाव का स्वामी अगर मान लिया आपके मंगल है या बृहस्पति है कुछ भी है चौथे भाव का स्वामी कोई भी ग्रह है जो चौथे भाव में राशि घटी है उसका स्वामी है जी वो आपका केंद्र भाव में चला गया त्रिकोण भाव में चला गया या लाभ भाव में चला गया केंद्र भाव और त्रिकोण भाव कौन से है? एक चार सात दस पांच नौ तो, और लाभ भाव है ग्यारह इन भाव में चला गया जी सर इन भाव में चला गया तो उसके फल बहुत अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं यानी चौथे भाव का स्वामी अगर इन भाव में गया तो वो अपना मकान दिलवाएगा वाहन दिलवाएगा माता का स्वास्थ्य अच्छा करेगा मन की शांति देगा जो भी चौथे भाव से चीजें आप देखते हैं वो चीजें आपको तो बढ़िया मिलेगी जी, जी, अगर चौथे भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में चला जाता है चौथे तो भाव पर तो स्वामी छठे आठवें बारहवें भाव में चला गया तो तो सर अब यहाँ पर यहाँ पर आप कह रहे हैं चौथे भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में हाँ। अब चौथे भाव का स्वामी तो वही होगा ना जो उसमें राशि होगी तो वो चौथे भाव में बैठेगी तो वो uh, मतलब फोर्थ भाव में ही बैठेगी वो हम लाभ भाव में मतलब इसमें पांचवें भाव में कैसे मान लेंगे कंफ्यूजन ये कुंडली मालिया किसी की वृषभ लगा दो तीन सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और एक ठीक है <coughs> ये वर्षभ लगानी कुंडली है तो चौथे भाव का स्वामी कौन बनता है सूर्य 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 माल्या यहाँ बैठा हुआ है कुंडली में आपके जरूरी थोड़ा ना कि उसी भाव में बैठा हो और कहीं भी बैठा हो सकता है कुंडली में वही कंफ्यूजन हो रहा हाँ ठीक है हाँ ठीक है हाँ, तो, तो अगर किसी भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में बैठा है हाँ। तो उस भाव के फल अच्छे मिलते हैं लेकिन वही स्वामी पे अगर दो या दो से अधिक क्रूर ग्रह क्रूर ग्रह कौन से मंगल शनि सूर्य राहु केतु शनि सूर्य और राहु केतु ये दृष्टि डालने या ये उसके साथ बैठ जाए तो फलों में कमी आ जाएगी यानी सौ रुपए आपको मिल रहे थे अब आपको पचास सकते मिलेंगे अच्छे फल तो मिल रहे हैं लेकिन फलों में कमी आ गई आधे फल रह गए आपके एक सर जैसे हमारे केंद्र त्रिकोण तो पहला पांचवा नौवा और जो हमारा ये केंद्र है चार सात दस हाँ। लाभ भाव कौन से होते हैं ग्यारहवा ग्यारवा लाभ भाव है ग्यारवा तो सी ग्रेड में आपने बता है थोड़ा अशुभ कम अशुभ हाँ लेकिन लाभ भाव आज के जमाने में हाँ जी। उस जमाने में क्या था पहले जमाने में जब में बताया गया था उसको शास्त्रों में वो हाँ। उसके बताया गया था कि आदमी अगर लाभ की तरफ ध्यान देगा तो धर्म के रास्ते पर चल नहीं पाएगा बट आज के जमाने में क्योंकि कलयुग ऐसा है कि जिसमें आदमी के लिए लाभ पहली चीज हो जाती है तो इसलिए लाभ वाले भाव को भी अच्छा मान लेते हैं यहां बैठा हो तो अच्छा होता है अब जैसे तो मैंने वही बताया कि इन भावों में तो बैठा है लेकिन दो या दो से अधिक क्रो ग्रहों से ग्रस्त है या उनके साथ युद्ध है उनके साथ बैठा हुआ है तो उसमें अशुभता आ गई अशुभता आ गई तो उसके रिजल्ट कम हो गए उसके रिजल्ट फिफ्टी परसेंट रह गए जो शुभ रिजल्ट है जी सर। ये क्लियर हुआ किसी को नहीं हुआ तो अभी बताइए फिर आगे बढ़ते हैं सर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे क्या था 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 था? सर जैसे 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 ये चीज तो समझ में आ गई किसी भी भाव का स्वामी है हम्म और तो आपने बोला केंद्र त्रिकोण और लाभ ये तो समझ में आ गया हाँ। लेकिन अभी जो ये लास्ट पॉइंट बताया ना एक बार बस एक बार लास्ट बार डिस्क्राइब कर लीजिए बस देखिये मैंने ये कहा कि किसी भी भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में बैठा हो तो आपको अच्छे फल देगा मैंने ये बोला है आपको लिया के आपके भाव का किसी भी कुंडली का स्वामी जैसे इसी 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 कुंडली इसी कुंडली में देख रहे हैं हम लोग पांच चौथे भाव का स्वामी सूर्य है सूर्य जी हाँ सूर्य जैसे हाँ जी। में बैठा हुआ है तो अच्छे फल करेगा सूर्य इस कुंडली में जी लेकिन यही सूर्य अगर मंगल से और शनि से दो ग्रहों से मंगल से एक दो तीन चार चौथी दृष्टि से और शनि से पहली दूसरी तीसरी दृष्टि से, तो गया। से हो गया ठीक है ग्रहों से तो इसके फलों में कमी आ जाएगी समझ आया फल हमको लग रहा था कि बहुत अच्छे मिलेंगे बहुत अच्छे फल नहीं मिल पा रहे क्योंकि ये सूर्य गया के तो केंद्र में है लेकिन अशुभ ग्रहों से द्रस्त हो गया हाँ जी, जी जी या दो क्रूर साथ बैठ जाए साथ, बैठ, साथ बैठ जाए बैठ इसके तब या मंगल अ शनि इसको देख लें मतलब उसी भाव में सूर्य के साथ मंगल और शनि भी हाँ, युथ हो हाँ युद्ध हो युद्ध माने साथ बैठे हो या देख रहे ठीक है सर तो यही मैंने कहा कि भावेश पर दृष्टि एवं युति का प्रभाव कि जो भाव का स्वामी है उसके ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है या किन ग्रहों के साथ वो बैठा हुआ है उसका भी असर पड़ता है अब आएगा अनुकूल दशा और प्रतिकूल दशा कौन सी दशा अनुकूल है कौन सी दशा प्रतिकूल है कुंडली में ये देख के हम लोगों को बताना है कि किसकी दशा कौन सी अनुकूल होगी कौन सी दशा प्रतिकूल होगी अच्छा ये बताइए क्योंकि मैं आपको अगर ये बताऊंगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे थोड़ा अभी तक किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछिए अनुकूल प्रतिकूल दशा हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे क्योंकि ये अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हो गया है सारा सर जैसे नहीं। मेरे हाँ बोलो आ, मतलब इसी टॉपिक को लेकर लास्ट टॉपिक को लेकर क्वेश्चन सपोज किसी के चौथे भाव में आ, एलेवन्त है राशि चौथे भाव में हाँ जी और उसमें जो ग्रह स्थित है वो सूर्य भी है शनि भी है और मंगल भी है देखिए ये बताते हैं ठीक है ना अलेवंथ राशि चौथे भाव में कब आएगी जब ये कुंडली अच्छा नॉर्थ नहीं आठवें लगन की हाँ सॉरी वृश्चिक लगन हाँ जी वृश्चिक वृश्चिक लगन की जी आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह जी हाँ, बारह एक दो तीन चार पाँच छ सात अब आप कहते हैं कि आपके चौथे भाव में कौन कौन से ग्रह हैं सूर्य शनि मंगल और बुध भी है और चंद्रमा भी है मतलब ये पांच ग्रह है एक उसमें अब ये इतने सारे ग्रह हैं जी तो ग्रह का फल कब मिलेगा जब ग्रह की दशा आएगी अच्छा तो चौथे भाव का जी। फल कब मिलेगा चौथे भाव के फल मिलेंगे आपको सूर्य की दशा में चौथे भाव को फल मिलेंगे आपको शनि की दशा में चौथे भाव के फल मिलेंगे आपको मंगल की दशा में मंगल की दशा में चौथे भाव के फल मिलेंगे आपको बुद्ध की दशा में चौथे भाव के फल मिलेंगे आपको चंद्र की दशा में इसका मतलब हुआ किसी ग्रह में अगर किसी भाव में अगर ज्यादा ग्रह हो तो उस भाव के फल ज्यादा मिलते हैं क्योंकि दशा तो सभी ग्रहों की जी 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 दशा सभी ग्रहों की आनी है तो फल ज्यादा मिलते हैं उस भाव के अच्छा अब ये बताइए कि सूर्य जो यहाँ के फल देगा सूर्य यहाँ बैठा है जी तो वो कैसे फल देगा सूर्य देखिए कि सूर्य कहाँ का स्वामी है दसवें भाव का स्वामी है जी। बैठा है? चौथे भाव में चौथे भाव में यानी केंद्र में बैठा है केंद्र तो पोजिशन तो अच्छी है उसकी जी। लेकिन किन ग्रहों से युद्ध है वो मंगल मंगल से युद्ध है शनि से युद्ध है शनि से युद्ध है ना? तो इसमें आपको दो चीज ध्यान रखनी है एक तो दृष्टि एक युति ठीक है मंगल और शनि इनके साथ बैठे हैं तो मंगल शनि क्रो ग्रह हैं दो ग्रह तो मैंने कहा कि दो या दो से अधिक क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो चाहे दृष्टि हो चाहे युति हो तो युति के केस में आपको ये चेक करना है कि ये जो दो ग्रह हैं मंगल और शनि क्या ये अच्छे घरों के स्वामी हैं या बुरे घरों के स्वामी हैं? बुरे घर अच्छे घर कौन से हैं ये मैंने आपको बताया कि छठे आठवें बारहवें के स्वामी तो नहीं है सर, चार तो सही होता है हाँ अच्छा हाँ तो उस केस में फलों में अच्छे फल मिलेंगे इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन जो ये और आ, ये जो आपने बताया है इसको हम लोग बोलते हैं प्रवज्ञा योग प्रवज्ज्या योग मतलब होता है संन्यास योग ऐसा आदमी धार्मिक की तर, उसकी तरफ बहुत बढ़ता है ओके जिस कुंडली में इस तरह के ग्रह हो चार या चार से अधिक ग्रह हो किसी एक भाव में उसकी धार्मिकता में बहुत रुचि होती है और थोड़ा संभाल के चलना भी चाहिए हो सकता है कि वो इतना धार्मिक हो जाए कि सब कुछ छोड़ दे अच्छा। तो मतलब कहने का ये है देखने का कि आपको ये देखना है कि जिस भाव में जो ग्रह बैठा है वो उस भाव के पहले तो इस भाव के फल कौन कौन ग्रह करते हैं वो पढ़ लीजिए वो मैंने आपको बता दिए सारे अब यहाँ पे किसी भाव में मैंने आपको बताया कि सूर्य चौथे भाव का स्वामी बैठा तो केंद्र में है दसवें भाव का स्वामी क्योंकि अब हम दसवें भाव के फलों की बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं भाई प्रोफेशन कैसा होगा इसका तो दसवा भाव देख लिया दसवें भाव का स्वामी कौन हुआ सूर्य हुआ सूर्य, हुआ। सूर्य हमारा केंद्र में आ गया चौथे भाव में आ गया तो हम कहेंगे प्रोफेशन का अच्छा होगा लेकिन वो शनि और मंगल से साथ आ गया जो क्रूर ग्रह हैं तो लेकिन अगर ये क्रूर ग्रह अच्छे घरों के स्वामी हैं तो तो कोई बात नहीं अगर गुरु घरों को स्वामी है तो फलों में कमी आ गई या अगर ये मंगल से दृष्ट हो जाए तब और कभी आ जाएगी कुंडली के अंदर बताऊंगा आपको जब कुंडली दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में तो आपको मालूम चलेगा ठीक है ना और बताइए सर एक मुझे पूछना था पिछली बार जो लग्न विश्लेषण की आई थी ना पीडीएफ उसमें सर एक ये केंद्राधिपति दोष क्या होता है केंद्राधिपति दोष क्या होता है मैंने उसमें पहले लिख के भेजा हुआ है क्या आपको हाँ लास्ट पीडीएफ में था सर जैसे मेष लग्न में है तो उसके लिए विनस अशुभ बता रखा है और उसमें लिखा था इट विल हैव केंद्राधिपति दोष ड्यू टू बीइंग सेवंथ लॉर्ड देयर फॉर वीनस हैज कंसीडर्ड अशु फॉर मेष लग्न देखिए केंद्राधिपति दोष क्या होता है कि अगर शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हैं कोई भी शुभ ग्रह शुभ ग्रह कौन कौन से हैं आपके शुक्र है गुरु है चंद्र है बुद्ध ठीक है जी ये ग्रह अगर केंद्र के स्वामी हो मतलब पहले चौथे सातवें या दसवें भाग के स्वामी हो तो इनमें दोष आ जाता है फल उनके कम हो जाते हैं और वो फल ठीक कैसे होते हैं कि यदि इनके ऊपर किसी भी ग्रह की पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या इनके साथ कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए तो वो दोष खत्म हो जाता है अच्छा पाप ग्रह साथ में बैठने से इनका दोष खत्म होता है पाप ग्रह साथ बैठ जाए या उसकी दृष्टि हो जाए अच्छा। या वो बकरी हो जाए तीन कंडीशन शुभ ग्रह अगर एक चार सात में होंगे तो वो केंद्राधिपति दोष होगा नहीं शुभ ग्रह अगर एक चार सात दस के स्वामी होंगे तब होंगे नहीं तब नहीं जी ये कुंडली है कौन से लगन की बोल रही थी आप मेष लगन की बोल रही थी ना पहले हाँ मेष लगन, लगन देखते हैं इसमें वीनस में आया था विनस के लिए अब इसमें शुक्र जो है वो केंद्र का स्वामी है शुक्र हाँ जी तो जरूरी नहीं है शुक्र यहाँ बैठा हो अगर शुक्र अपने राशि के अंदर ही बैठा है यहाँ पर ही बैठा हुआ है तो ये योग अलग योग बन जाता है ये राजयोग बन जाता है शुक्र मालिया यहाँ बैठा है अब नहीं, ये तो आपने सिंपल वो बनवा के ना तब वो दिखाया था कि भाई लास्ट जो पीडीएफ उसमें लग्न विश्लेषण करके है उसमें आपने कहा भी था ना कि हर उसकी लग्न की अलग अलग वो बना के आपने अशुभ ग्रह निकालने हैं आपने यस तो, दो मैंने दोस्वार यही दोस्वार। था, उसको मैंने यही बताया था कि जो अशुभ जो केंद्र के स्वामी होते हैं शुभ ग्रह उनमें केंद्र के प्रति दोष आता है लेकिन वो किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाए या क्रूर ग्रह से तो केंद्र दोष खत्म हो जाता जाए बस इतना है आपने याद रखना है और कुछ नहीं है वो जब कुंडली आगे आएंगी जब पढ़ेंगे हम लोग करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा उससे घबराइए मत आ, आ, इतना मत इतना सोचिए वो जो कुंडली एनालिसिस हम लोग करेंगे ना तो आपको बताने जाऊंगा मैं कहाँ पे केंद्र दोष बनता है कहां पे केंद्र दोष खत्म होता है वो सब आपको बताऊंगा मैं बस इतना मोटा मोटा याद रखिए कि केंद्र के स्वामी अगर शुभ ग्रह हो तो केंद्राधिपति दोष लगता है और केंद्रापति दोष लगने से क्या होता है कि शुभ ग्रह अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते लेकिन वही ग्रह यदि वक्री हो जाए या किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए या किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए तो अपने आप दोबारा से उसका दोष खत्म हो जाता है जा। इन्हीं का एक बार मुझे ना डिस्कशन करना था सर ये लग्न विश्लेषण इसमें थोड़े से हैं Next time मैं आपसे फिर थोड़ा सा आ, कौन जी बोल रही है? हाँ जी सर हाँ, पूछ लीजिएगा ठीक है ना ठीक है सर पूछ पूछ लीजिएगा लीजिएगा कोई किस, किसी खास लगन का हो उससे मतलब आप एक दो लगन नोट करके लाइए कौन से लगन में आपको लग रहा है ठीक है ना हाँ ठीक है सर ये जो आपने लग्न विश्लेषण की पूरी पीडीएफ दी थी ना मैंने उसी को दोबारा रीड किया था तो तब मुझे कुछ एक कंफ्यूजन हुए थे हाँ, मतलब सभी में कंफ्यूजन है किसी एक दो लगन में हर हाँ, लग्न में किसी किसी ग्रह में है हम्म अच्छा अभी क्या है चलिए ठीक है आप पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर ठीक है और किसी का कोई प्रश्न है अनुराग जी आपका कोई प्रश्न है सर मैं है लेकिन मैं पूछूंगा सर। अच्छा नेक्स्ट टाइम पूछ लीजिए कोई बात नहीं आप नोट करके रखिए नेक्स्ट टाइम पूछ लीजिए गुंजन थी. गुरु जी मैं कुंडली मिलान कर रहा था एक हम्म तो उसमें नाड़ी दोष जो है नाड़ी दोष आ रहा है हम्म तो उसका जो है रद्द करने का या उपाय का इस तरीके से नाड़ी दोष का परिहार भी होता है वो देख लीजिए एक बार के एक ही नक्षत्र है दो चरण अलग अलग चरण भी अलग अलग है उनके तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है कई बार क्या होता है कि एक एक आदमी तो मतलब जो पुरुष है जो स्त्री है वो दोनों ही एक नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो उसे कहते हैं कि न, दो नाड़ी दोष बन गया लेकिन उनका चरण अगर अलग अलग है तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है तो वो भी चेक करना चाहिए आपको कि नाड़ी दोष का परिहार तो नहीं हो रहा या क्या हो रहा है एक बार जी अगर चरण अलग अलग हो तब भी परिहार हो जाता है हाँ तब तो परिहार हो जाता है ठीक है ना तो ये चीज यहाँ ध्यान रखिए आगे आपको जब पढ़ाएंगे वो अभी तो मैच मेकिंग का कोर्स अलग होता है हमारा जब मैच मेकिंग कोर्स स्टार्ट करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वो पूरा क्लास होती है तीन महीने की मैच मेकिंग की उसमें अस्कुट गुण मिलान मांगलिक दोष ये सारे वैधव्य योग विधवा दोष ये सब बताए जाते हैं वो क्लास अभी हमारी इस क्लास के बाद होगी तीन महीने की तो आप उसे पढ़ सकते हैं उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं जी, जी। तो अगली क्लास में मैं आपको फिर आगे का पढ़ाऊंगा अनुकूल दशा प्रतिकूल दशा तब तक के लिए नमस्कार जय श्री कृष्ण